मैं दिल से अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। पिछले 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किलें सही वो आप और हम जानते हैं। मीडिया में बहुत लिखा गया कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती, अलग अलग एनालिसिस हुई, अलग अलग थियोरियां चालू की गई। इस जीत का सिर्फ एक कारण है और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे, बीजेपी के पास धन दौलत पावर पुलिस सारा कुछ था और उनकी सारी की सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया, उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया, उनकी नफरत को हरा दिया। जैसे हमने यात्रा में कहा था, नफरत को मिटाया, मोहब्बत जीती। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। पिछले 5 साल आपने भ्रष्टाचार सहा, हमने आपसे 5 वायदे किए थे। पहला वायदा गृह लक्ष्मी, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। दूसरा वायदा गृह ज्योति, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। तीसरा वायदा अन्नभागिया, 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। चौथा वायदा शक्ति, महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल पूरे कर्नाटक में। और पांचवा वायदा युवा निधि, 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को। मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, जो हम कहते हैं हम कर दिखाते। 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। उस कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। सरकार का लक्ष्य जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनकी रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनहरा बनाना है। हम आपको एक साफ सुथरी नॉन करप्ट सरकार देंगे। एक बार फिर कर्नाटक के हर युवा माताओं और बहनों को धन्यवाद। आपने अपना प्यार और अपनी शक्ति कांग्रेस पार्टी को दी, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। ये सरकार कर्नाटक की जनता की सरकार है, आपकी सरकार है।